नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए गए मंत्र की, लखीमपुर खीरी मामले को लेकर किसानों की सरकार से बढ़ी नाराजगी की, जानेंगे क्रूज पार्टी केस को लेकर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई में अब क्या आया नया मोड़, अब कहां होगी प्रियंका की प्रतिज्ञा यात्रा, बात करेंगे गोवा बीजेपी पर लगे सत्यपाल मलिक के गंभीर आरोप की, पश्चिम बंगाल बीजेपी में खड़े हुए बवाल की और बुलेटिन के आखिर में बात गरीबों पर पड़ी प्रकृति की मार की। लेकिन तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार पहुंचते ही लालू ने दिखाए पुराने तेवर, नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी पहले ही निकाल चुके हैं उनकी हवा और जो थोड़ी बहुत बची है उसका विसर्जन करने में खुद आ गया हूं। पेगासस मामले में जांच समिति गठित करने का ऐलान कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। बुधवार को पेगासस मामले में फैसला सुनाएगा कोर्ट। जासूसी के आरोपों को लेकर सरकार पर सख्त टिप्पणी कर चुकी है अदालत। वैक्सीनेशन अभियान की गति को तेज करने के लिए बुधवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से चर्चा करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने में हो रही देरी पर भी होगी चर्चा। एक सप्ताह पहले भारत ने पार किया था 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा। लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 383 अंकों की तेजी के साथ 61,350 पर हुआ बंद। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 143 की तेजी के साथ पहुंचा 18,268 अंकों पर। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। साल 2022 की शुरुआत में ही देश के अंदर चुनावी घमासान अपने चरम पर होगा। यूपी पंजाब समेत 5 राज्यों में 3 महीने के अंदर ही विधानसभा चुनाव का ऐलान जो होने जा रहा है, इन चुनावों की तैयारी के लिए आज कांग्रेस ने दिल्ली में AICC मुख्यालय पर पार्टी महासचिवों और राज्य प्रभारियों की बैठक बुलाई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी को एकजुट होने के साथ ही बीजेपी RSS का सामना करने के लिए ट्रेनिंग कराने की बात कही। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक कांग्रेस की सक्रियता इस समय कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। निशाने पर यूपी सहित 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है और सभी राज्यों में कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। चुनावों के ऐलान से पहले कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के प्रदेश प्रभारियों और अध्यक्षों की बैठक बुलाई। बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि अब बीजेपी को उसी भाषा में जवाब देने का समय है। हम बीजेपी के दबाव में नहीं आएंगे, जिस भाषा में सवाल होगा उसी में जवाब दिया जाएगा। सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी और RSS के इशारे पर झूठा प्रचार किया जा रहा है। अगर हमें यह लड़ाई जीतनी है तो पूरे संकल्प के साथ मैदान में उतरना होगा और जनता के समक्ष उनके झूठ को बेनकाब करना होगा। हमें कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना होगा, जिससे वो बीजेपी और RSS की ओर से चलाए जा रहे दुर्भावनापूर्ण प्रचार का मुकाबला कर सकें। सोनिया गांधी ने कहा कि हमारा अपना इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि अगर अन्याय और असमानता के खिलाफ संगठन को सफल होना है, अगर कमजोरों के अधिकारों के लिए प्रभावी पैरोकार बनना है, तो इसे जमीनी स्तर पर व्यापक आंदोलन का रूप लेना होगा। सोनिया गांधी ने कहा, मोदी सरकार ने हमारी संस्थाओं को समाप्त करने का प्रयास किया है ताकि वह जवाबदेही से बच सके। उसने संविधान के आधारभूत मूल्यों को कमजोर करने का प्रयास किया है ताकि वह खुद के लिए निचले स्तर के लिए मानक रख सके। उसने हमारे लोकतंत्र की बुनियादी बातों को, सवालों को घेरे में खड़ा किया है। सोनिया गांधी ने कहा कि हमें अपनी लड़ाई को दोगुनी ताकत देनी चाहिए, चाहे वह हमारे किसान और खेतीहर मजदूर हों, रोजगार के लिए लड़ते युवा हों, छोटे एवं मझोले कारोबारी हों या फिर हमारे वंचित भाई बहन हों। हमें संगठन में सभी वर्गों को ज्यादा प्रतिनिधित्व देना होगा। सोनिया गांधी ने तो बीजेपी को परास्त करने का मंत्र फूंक दिया है, देखना है कि इसका असर कितना होता है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी महासचिवों की बैठक बुलाई और अपने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब उसी की ही भाषा में जवाब देना पड़ेगा। वैसे ऐसा ही कुछ अब किसानों ने भी ठान लिया है और इसीलिए तो पिछले 11 महीने से किसान आंदोलन पर बैठे हैं और जब सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है तो उन्होंने आज सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए देशव्यापी प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। लखीमपुर कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र की गिरफ्तारी के बाद भले ही इस घटना की चर्चा बंद हो गई हो, लेकिन किसानों का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ। दरअसल किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को बर्खास्त करे, लेकिन सरकार ने अभी तक अपने मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके चलते आज किसानों ने देशव्यापी प्रदर्शन किया। हालांकि पहले किसानों ने लखनऊ में 26 अक्टूबर को किसान महापंचायत करने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में किसानों ने पंचायत की तारीख को बदलकर 22 नवंबर कर दिया,
लेकिन 26 अक्टूबर को पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया था। सुबह 11 बजे से ही देश भर के अधिकांश जिला मुख्यालयों पर किसान पहुंचने लगे और धरना शुरू कर दिया। किसानों के धरने का सबसे ज्यादा असर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, झारखंड में देखा गया। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक ज्ञापन भी भेजा, जिसमें कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की गई। वहीं दूसरी तरफ इस मामले की जांच में योगी सरकार की तरफ से हो रही ढील पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर एक बार फिर तल्ख टिप्पणी की। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 68 गवाहों में से 30 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और 23 लोगों ने घटना के चश्मदीद होने का दावा किया है। इस पर CJI ने कहा कि वहां पर बड़े पैमाने पर किसानों की रैली चल रही थी, सैकड़ों किसान मौजूद थे, तो क्या सिर्फ 23 चश्मदीद मिले? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को घटना के गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश भी दिया और ये भी निर्देश दिया कि गवाहों के बयान तेजी से दर्ज किए जाएं। अब सरकार के इस बेपरवाह रवैये से सुप्रीम कोर्ट और किसान दोनों ही नाराज दिख रहे हैं, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि मोदी योगी की सरकार को ये लापरवाही काफी भारी पड़ सकती है। लखीमपुर खीरी मामले में किसानों की सरकार से मांग है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी हो। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी मामले में जल्द कार्रवाई करने के लिए योगी सरकार को निर्देश दे रहा है, जिसके चलते आज सरकार को फटकार भी लगी। किसान न्याय की आस में है, क्योंकि सब कुछ कोर्ट के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, दोनों से ही सही और जल्द न्याय की उम्मीद होती है। शाहरुख खान को भी अपने बेटे आर्यन खान के मामले में न्याय की उम्मीद है। आर्यन की गिरफ्तारी को 23 दिन हो चुके हैं। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत को लेकर सुनवाई जारी है। NCB की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि आर्यन को जमानत ना मिले। आर्यन केस में पिछली सुनवाई 20 अक्टूबर को हुई थी और विशेष अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद सतीश मानशिंदे के नेतृत्व में उनकी कानूनी टीम ने हाई कोर्ट का रुख किया। अब आज आर्यन खान के लिए कोर्ट में भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी पेश हुए। रोहतगी ने आर्यन के बचाव में कई दलीलें दी और दावा किया कि उसके खिलाफ ना तो कोई सबूत है और ना ही विश्वसनीय गवाह, यहां तक कि आर्यन के पास कुछ मिला भी नहीं था। NCB ने आर्यन का मेडिकल भी नहीं कराया और उस पर बड़े आरोप लगा दिए। 23 दिन से आर्यन गिरफ्तार है, उसे जेल में नहीं रखा जा सकता। तो दूसरी ओर NCB की ओर से कहा गया कि अगर आर्यन को जमानत दी गई, तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है। शाम तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। अब हाईकोर्ट बुधवार को आर्यन की जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई करेगा। DV लाइव की रिपोर्ट है। वही दूसरी तरफ मुंबई ड्रग्स मामले में पैसों के लेन देन के आरोप का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में गवाह प्रभाकर सैल ने रविवार को एक हलफनामे में दावा किया था कि NCB के एक अधिकारी और कुछ अन्य लोगों ने मामले में आरोपी आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन मामला 18 करोड़ रुपए में तय हुआ था। इसके अलावा NCP नेता नवाब मलिक भी समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि समीर वानखेड़े के पिता दलित और माँ मुस्लिम थी। पिता ने मुस्लिम धर्म का ही पालन किया, मगर नौकरी के लिए समीर वानखेड़े ने फर्जी सर्टिफिकेट लगाया। अब नवाब मलिक ने दावा किया है कि NCV के किसी अज्ञात अधिकारी ने उन्हें लेटर भेजा है। इस बीच NCV के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े सोमवार की रात को ही दिल्ली पहुंच चुके हैं और एजेंसी के DG से मुलाकात कर सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो इस पूरे मामले में कई मोड़ आ चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि आज आर्यन खान को जमानत मिलेगी या नहीं। आर्यन खान का मामला कानूनी से ज्यादा सियासी होता दिख रहा है। निशाने पर मामले की जांच कर रहे NCB अधिकारी भी आ गए हैं। पूरे देश की निगाहें कोर्ट के फैसले पर लगी हुई हैं। तो दूसरी ओर यूपी में भी सभी की निगाहें फैसले पर हैं, जो जनता की अदालत से निकलेगा और जनता अगले साल की शुरुआत में सियासी दलों को अपना फैसला सुनाने वाली है कि वो किसे प्रदेश की सत्ता सौंपेगी। फैसला कांग्रेस के पक्ष में आए, इसे लेकर पार्टी की प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने कमान संभाल रखी है और उनके निशाने पर है CM योगी का गढ़ गोरखपुर। यूपी में 3 दशक बाद कांग्रेस विधानसभा चुनावों में मजबूत चुनौती देती हुई दिखाई दे रही है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की हर मामले में सक्रियता ने प्रदेश की योगी सरकार की परेशानी पहले से ही बढ़ा रखी थी और अब प्रियंका गांधी CM योगी आदित्यनाथ को उनके गढ़ गोरखपुर में चुनौती देने की तैयारी कर चुकी है। प्रियंका गांधी 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में रैली करेंगी। ये रैली चंपा देवी पार्क में होगी। प्रियंका यहां प्रतिज्ञा रैली निकालेंगी। इस दौरान प्रियंका जनता के सामने
कोई बड़ी घोषणा भी कर सकती हैं। इससे पहले वो विधानसभा चुनावों में महिलाओं को 40% टिकट देने के साथ ही सरकार बनने पर किसानों को फसल का उचित मूल्य, कृषि कर्ज माफी, रोजगार सहित तमाम ऐलान कर चुकी हैं। कांग्रेस की ओर से प्रियंका की रैली की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गोरखपुर में होने वाली सभा के बारे में कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा, इस रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता दिन रात एक कर रहे हैं। रैली की जगह ये दिखाने के लिए चुनी गई है कि कांग्रेस राज्य में भाजपा से मुकाबला करने के लिए तैयार है। इन रैलियों की योजना कांग्रेस ने टिकटों में महिलाओं को 40% आरक्षण के ऐलान के बाद बनाई गई। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने 10 अक्टूबर को बीजेपी पर तीखा हमला कर हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पार्टी के अभियान की शुरुआत की थी। वाराणसी में विशाल रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका ने किसानों, गरीबों के साथ अन्याय के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा था। प्रियंका ने कहा था कि यूपी में कोरोना महामारी आई, हमने देखा कि लोगों को ना तो सरकार ऑक्सीजन उपलब्ध करा पाई और ना ही दवाई की व्यवस्था करा पाई। लोगों को उम्मीद थी कि सरकार मदद करेगी, लेकिन कोई मदद नहीं आई। इसी उम्मीद में कई लोगों की जान चली गई। इसके बाद हाथरस कांड हुआ, सरकार ने आरोपियों को बचा लिया। लखीमपुर खीरी में भी ऐसा ही हुआ है, जहां एक मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। सरकार आरोपियों को बचा रही है, तो अब देखना होगा कि प्रियंका की गोरखपुर रैली का जवाब बीजेपी कैसे देती है। यूपी के साथ ही गोवा में भी विधानसभा चुनाव होंगे और यूपी की तरह यहाँ भी सरकार बीजेपी की ही है, लेकिन गोवा की सरकार कुछ ज्यादा ही मुश्किल में दिख रही है और इस मुश्किल को और बढ़ा दिया है मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने। तो क्या कहा है मलिक ने, जिससे परेशान दिख रही है बीजेपी, देखिए रिपोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वादा करते हैं कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। जीरो टॉलरेंस की नीति पर देश की सरकार काम कर रही है, लेकिन जो खुलासे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किए हैं, वो हैरान करने वाले हैं। ये आरोप अगर विपक्षी पार्टी के नेता लगाते या कोई जाँच एजेंसी इसे उजागर करती तो समझा जा सकता था, लेकिन गोवा सरकार में भ्रष्टाचार की दीमक लगी हुई है। ये बात खुद वहाँ के पूर्व राज्यपाल और मेघालय के मौजूदा राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कही है। सत्यपाल मलिक ने आज तक न्यूज चैनल से एक इंटरव्यू में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गोवा के करप्शन पर ध्यान देना चाहिए। मलिक का आरोप है कि गोवा में बीजेपी सरकार कोविड से ठीक तरह से नहीं निपट पाई है। मलिक ने यह भी कहा कि गोवा सरकार ने जो कुछ भी किया उसमें भ्रष्टाचार था। गोवा सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से ही मलिक को गोवा से हटा दिया गया। गोवा सरकार की घर घर राशन बांटने की योजना अव्यवहारिक थी, ये एक कंपनी के कहने पर किया गया था जिसने सरकार को पैसे दिए थे। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि उनसे कांग्रेस समेत कई लोगों ने जांच करने को कहा था, मामले की जांच की और प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी भी दी। अब सवाल ये उठता है कि सार्वजनिक रूप से अभी तक गोवा के इस भ्रष्टाचार की कहीं कोई चर्चा नहीं है, जिससे साफ है कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क नजर आता है। जो शिकायत खुद पीएम तक पहुंच चुकी है, उस पर आखिर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। हालांकि राज्यपाल मलिक के इन आरोपों से बीजेपी को तकलीफ जरूर हुई होगी, लेकिन देखना ये होगा कि मलिक के इन आरोपों की जांच के लिए केंद्र सरकार सक्रिय होती है या मलिक की मुश्किलें बढ़ती हैं। यूपी हो या गोवा, बीजेपी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। ये वो राज्य हैं जहां 3 महीने में चुनावों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन जहां हाल ही में चुनाव हो चुके हैं वहां भी बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल में तो नेताओं के आपसी बयान पार्टी को कमजोर ही कर रहे हैं। अब त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय ने कैलाश विजयवर्गीय को लेकर ऐसी टिप्पणी की है जिससे बंगाल बीजेपी में नया बवाल शुरू हो गया है। देश में धीरे धीरे विपक्ष एकजुट हो रहा है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। विपक्ष की बढ़ती ताकत से बीजेपी की नींदें उड़ी हुई हैं, लेकिन बीजेपी सिर्फ विपक्ष के निशाने पर ही नहीं है, बल्कि बीजेपी अपनों के निशाने पर भी है, जिससे बीजेपी को ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है, जिससे पार्टी दिन ब दिन कमजोर हो रही है। अब हाल में पश्चिम बंगाल बीजेपी के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद एक नया बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत रॉय के एक आपत्तिजनक ट्वीट ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल भाजपा प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीर का एक कोलाज शेयर किया है। इस कोलाज में विजयवर्गीय की तस्वीर को वोडाफोन के विज्ञापन में दिखने वाले कुत्ते के साथ साझा किया है। तस्वीर के कैप्शन में लिखा है, वोडाफोन इन वेस्ट बंगाल अगेन। अब तथागत रॉय के इस आपत्तिजनक ट्वीट ने पार्टी के खिलाफ और खासकर कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ उनकी नाराजगी को एक बार फिर उजागर कर दिया है। आपको बता दें कि तथागत रॉय की अपनी पार्टी के खिलाफ नाराजगी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की
की तैयारियों के दौरान ही शुरू हो गई थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान जब बीजेपी टीएमसी नेताओं को बीजेपी में शामिल कर रही थी, तब तथागत रॉय ने पार्टी को सचेत किया था कि ये पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है, इससे आप पार्टी के वफादार लोगों को साइड कर रहे हैं, जिससे लोग नाराज हो रहे हैं। चुनाव परिणामों के बाद तो तथागत रॉय का रुख अपनी ही पार्टी पर और सख्त हो गया। उन्होंने कहा कि चुनावों के बाद टीएमसी से आए लोग वापस जाएंगे और हो सकता है कि बीजेपी के अपने लोग भी बीजेपी का साथ छोड़ दें, लेकिन पार्टी ने उनकी बात नहीं मानी। तथागत रॉय ने चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी तय करने को भी कहा था। उन्होंने हार के लिए अध्यक्ष दिलीप घोष, पार्टी पर्यवेक्षक कैलाश विजयवर्गीय, शिव प्रकाश और अरविंद मेनन को जिम्मेदार बताया था। दरअसल तथागत रॉय ने एक यूजर के ट्वीट के जवाब में यह तस्वीर पोस्ट की है। अब रॉय की ये नाराजगी साफ जाहिर कर रही है कि वो पार्टी से काफी नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पोस्ट के संबंध में कहा कि जमीनी स्तर के नेताओं को अतिरिक्त महत्व देने के लिए पार्टी के पुराने नेताओं को महत्व न देना ठीक नहीं। अब देखना होगा कि उनका यह ट्वीट कितना बड़ा बवाल मचाता है और इस पर विजयवर्गीय की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। साथ ही इस मुद्दे पर विपक्ष भी चुटकी लेने से पीछे नहीं हटेगा। और बुलेटिन के आखिर में बात बेघर होते भारतीयों की। प्रकृति की नजर में सभी बराबर होते हैं। प्रकृति अमीर और गरीबों के बीच फर्क नहीं रखती, लेकिन ये भी सच है कि प्रकृति का कहर अमीरों की तुलना में गरीबों पर ज्यादा पड़ता है। अमीर तो इस समस्या से कुछ ही दिन में उबर जाते हैं, जबकि गरीब इस नुकसान को सहन नहीं कर पाता और उसे विस्थापन का शिकार होना पड़ता है। भारत में पिछले कुछ सालों में बदले मौसम के मिजाज ने विस्थापन की इस समस्या को कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है। पिछले 1.5 साल में भारत मुश्किलों में फंसा हुआ है। मौसम में बदलाव के चलते देश की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं और मुसीबत का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है देश की गरीब जनता पर, जो बड़े पैमाने पर विस्थापन को मजबूर हो रही है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के शोध में पाया गया कि देश के सबसे गरीब लोग प्राकृतिक मुसीबतों के चलते अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर हैं। शोधकर्ताओं ने 3 राज्यों के 1000 घरों का सर्वेक्षण किया। सर्वे में शामिल 70% लोगों ने कहा कि वे प्राकृतिक मुसीबत आने के तुरंत बाद दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हो गए। कम बरसात के चलते सूखा पड़ने का मामला हो, या फिर ज्यादा बारिश का, या फिर चक्रवातों के चलते मछली पकड़ने में आने वाली बाधाएं, देश में विस्थापन की सबसे बड़ी वजह मौसम रहा है। जर्मन वॉच नाम संस्था सालाना ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी करती है, जिसमें जलवायु के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों की सूची दी जाती है। 2021 की इस सूची में भारत टॉप 10 पर है। 2020 में भारत को कई प्राकृतिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। टिड्डी दल का फसलों को निशाना बनाने का मामला हो, या फिर एक के बाद एक 3 चक्रवातीय तूफान, तेज गर्मी का मामला हो, या फिर कई राज्यों में ज्यादा बारिश का, जिसने हजारों को बेघर कर दिया। आर्थिक रूप से गरीब समुदाय नुकसान झेल नहीं पाता। दरअसल उन्हें जो नुकसान होता है वो बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए वे घर छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, क्योंकि वे निराश हो चुके होते हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।